हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती ब्लॉग पर। और कैसे हो आप लोग, ज़रूर कमेंट करना नीचे। और थोड़ा सा मैं कुछ चीज़ें सोच रहा था, लगातार मेरे दिमाग में आ रहा था और सोचा कि आप लोग से शेयर करूं अपने दिल की बात, क्योंकि मैं अपना सब कुछ शेयर करता हूं आपके साथ करता हूं। मेरा धर्म, ईमान, मेरा घर परिवार, सब कुछ मेरे साथ आप हो, हमेशा रहते हो। और एनी टाइम जब भी मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है अलग से, मैं आपके लिए कोशिश करता हूँ कुछ करने का, वीडियो बनाने का, आपको सिखाने का कुछ। तो ये मेरी गाड़ी जो मैंने लिया था अभी जस्ट 14 नवंबर को ही आप लोग को बताने वाला था, लेकिन मैं इसमें बहुत व्यस्त हो गया इसलिए इसके बारे में नहीं बता पाया। मैं चला गया था प्रमोद को देखने गया, जो आप लोगों ने बहुत सहयोग किया था। उसका पैर जो है, उसका गाड़ी चढ़ गई थी, मेरी गाड़ी नहीं, मेरी गाड़ी तो अभी आई है। हम लोग जो उसे मिलकर हेल्प किए थे, एक वीडियो मैंने डाल दिया था। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, इस गाड़ी के बारे में मैंने बताया नहीं आप लोग को, मैंने जो गाड़ी लिया है और गाड़ी की वीडियो दिखा देता हूँ। हुंडई की गाड़ी है और अच्छा लगा मुझे ये गाड़ी, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज वीडियो बनाने का मेन रीज़न ये था कि आज मैं जा रहा हूँ अपने घर, घर से अपने मम्मी पापा को लेकर आऊँगा और मेला घुमाने। मेला कहाँ, सोनपुर मेला, मुझे याद है। ये तो जनरल सी बात हुई कि लोग मेला घूमते हैं, सब लोग घूमते हैं, इसमें बताने वाली क्या बात है। तो दोस्तों मुझे याद है कि जब मैं पढ़ाई करता था, जिस टाइम 2012 में तो पढ़ाने लगा था, 2010 में इसी हाजीपुर में रहता था मैं, जहाँ से अभी मैं आप लोग को पढ़ाता हूँ। तो एक दिन यही मेला जो अभी लगा है सोनपुर का, पशुओं का सबसे बड़ा मेला है एशिया का, आप लोग को भी जब मौका मिले तो आइएगा। तो बात ये थी कि उस टाइम मेरी माँ, जब मैं यहाँ पढ़ता था, एक छोटा सा एक रूम लेके रहता था, तो मेरी माँ आई हुई थी और मेला घुमाने के लिए ही, मुझे दिखाने के लिए। मैं तो कमाता नहीं था, मेरे पास पैसे भी नहीं थे उस टाइम। मेरी माँ मुझे बहुत मेहनत करके पढ़ाई लिखाई है, सिलाई करके। तो वो जब आई थी यहाँ पर, तो उनके पास शायद 250-300 रुपये रहे होंगे। वो अपने लिए कुछ ख़रीदने के लिए आई थी, लेकिन रात में मुझे देखी थी पढ़ते हुए, मैं पूरी रात पढ़ा करता था। तो उस दिन जो पढ़ाई कर रहा था, चूँकि मेरे पास स्वेटर नहीं थे, तो जो हमारे गांव देहात से होंगे वो बच्चे जानते होंगे गेंडा क्या होता है, गेंडा जो बिछाने वाला है ना, जिस पर सोते हम लोग, कपड़ा का बना हुआ होता है, उस पर बेडशीट बिछाते हैं फिर सोते हैं, तो वो था। तो वही ओढ़ के मैं पढ़ाई करता था, और मैं चूँकि बैठे बैठे पढ़ते पढ़ते जब थक जाता था ना, तो मैं खड़ा होकर एक बोर्ड लगाए हुए था, छोटा सा एक बोर्ड था रूम में, उसी बोर्ड पर मैं लिखा करता था चौक से, ब्लैक बोर्ड था लकड़ी का ही। तो मेरी माँ ने देखी कि मैं वही गेंदा ओढ़ के पढ़ रहा हूँ रात भर खड़े होकर, कभी बैठकर, मैं था, मेरी माँ थी। अगले दिन जब हम लोग मेला घूमने गए, तो मेरी माँ ने अपने लिए कुछ नहीं ख़रीदा, उसी पैसे से मेरे लिए एक हाईनेक खरीदी थी, अंदर जो शर्ट के अंदर पहनते हैं, वो भी आज भी मेरे पास वो है अमानत। तो मैं जब अपनी माँ को अभी घर से लाने जा रहा हूँ, मैं हाजीपुर में रहता हूँ, वो लोग गांव में रहते हैं, यहाँ से लगभग 30-32 किलोमीटर मेरा घर की दूरी है। तो मैंने फ़ोन कर दिया है, थोड़ा सा बहुत सारी चीज़ें याद आ गई थी, इसलिए लगा कि मैं किसे कहूँ, तो सोचा कि आप ही लोग को कह देता हूँ। यही बात थी दोस्तों, संघर्ष ज़िंदगी में हमेशा आते रहता है, बस संघर्ष करते रहो, चूँकि ज़िंदगी का नाम ही संघर्ष ही है, संघर्ष का नाम ही जीवन है। ज़िंदगी में मौका सबको मिलता है, बस लाइन में लगे रहना। लाइन तोड़ के आगे जाओगे ना, तो फिर पीछे आपको कोई ना कोई धकेल देगा, और जब पीछे आओगे तब तक और कोई पीछे लग चुका होगा, तो आपकी लाइन और बड़ी हो जाएगी। इसलिए अपने लाइफ में जो भी काम करते हो, करते रहो और लगे रहो अपने लक्ष्य के लिए, एकदम लाइन में लगे रहो, कोशिश करते रहो हमेशा। तुम्हारी अपना नंबर तुम्हारा ज़रूर आएगा एक दिन, एक ना एक दिन सबका समय आता है, तुम्हारा भी आएगा। बस ऐसे ही आप लोगों को बता दिया।
चूँकि लगता है कि मैं सब कुछ आपसे शेयर करता हूँ, अच्छा लगता है मुझे। और किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए हाथ जोड़ कर माफ़ी चाहते हैं। हाथ जोड़ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि एक हाथ से मोबाइल पकड़े हूँ और एक हाथ से हाथ कैसे जोड़ूँ, तो सॉरी बोलना चाहूँगा जिन्हें बुरा लगता हो। ये आपके लिए नहीं था वीडियो। तो चलिए फिर हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। कैसा लगा आपको मेरा गाड़ी, ये इंटीरियर है गाड़ी का, अच्छा लगा होगा। और इसमें ये सनरूफ सिस्टम है ये खुलने का, इस गाड़ी में थोड़ा सा नया फीचर है, इसे मैं चाबी नहीं लगाया हूँ तो इसीलिए आपको थोड़ा कम दिख रहा और मैं घसका के नहीं दिखा सकता। अब शायद खुल जाए, ये तरीका है। अच्छा लग रहा है ना। तो मैंने मेला घूम लिया था और कल ही अकेले गया था, और तिवारी सर अकेले नहीं थे, तिवारी सर थे, तो उन्हीं लोगों के साथ मैंने घूमा था। आज मम्मी पापा को लेके जा रहे हैं, और उस वीडियो का मेला का जो झलक देखना चाहेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट भी वहाँ मिले थे, तो चलिए इसी में उनको भी इंक्लूड कर देता हूँ। आप लोग भी सोनपुर का मेला देख लीजिए, और अगर आपके पास समय है तो ज़रूर आइए सोनपुर मेला घूमने के लिए। थैंक यू। तो सर बताइए आज कहाँ घूमने आए? आज आए पूरे एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है जहाँ, जिसको आपने सुना होगा इतिहास में, आप याद करते हो कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? सोनपुर में। तो वहाँ आज पहली बार आए हैं, आपको देखिए यहाँ पर कितना अच्छा नज़ारा है। ये जगह जो आप देख रहे हैं, हाँ हाँ, इसमें सिंगर लोग आते हैं, एक्टर लोग आते हैं, जैसे कुमार सानू आते हैं, अलका याग्निक, सोनू निगम, ये सारे आते हैं सर। किसी न किसी दिन किसी न किसी का प्रोग्राम होता है, इतने बड़े बड़े स्टार। तो बॉलीवुड के और हमारे भोजपुरी के पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, ये सारे आएंगे। अच्छा, हाँ, तो यहीं पर इनका प्रोग्राम होता है, गाना होता है, और हर रात होता है। इनका टिकट वगैरह कितना रहता है? फ्री है। अच्छा, ये सब फ्री रहता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये सारे रेल से संबंधित जितने भी औजार या संकेत, ये नाम भी लिखा, हाँ, ये इसमें सब लिखा हुआ है सर। रेल लाइन जैसे संरक्षा जंजीर है, हाँ, है ना, हाँ, बेड लॉक है, इस टाइप से होता है। नहीं बताइए कहाँ लगता है, कहाँ लगता है? आज ये वो रेलवे जोन की संबंध में चले Thank you.
तो हमारे एक सब्सक्राइबर, हमारे एक स्टूडेंट जो कि हजारीबाग से आए हैं और यहाँ पर मुझे मेला घूमते घूमते मिल गए। क्या नाम है आपका? नागेश। नागेश कहाँ से आए? हजारीबाग। रहते पटना में ही है। पटना में रहते हैं, बाजार से मिलते हैं। घूम लिए पूरा मेला? हाँ सर घूम लिए। अच्छा लगा? बहुत मजा आया सर। और आपसे मिल गए तो ये संजोग मेरे लिए बहुत, मतलब बहुत खास दिन हो गया हमारे लिए आज। अच्छा, हमको मैथ मस्ती में पढ़ के बहुत मजा आता है, एकदम मैथ तो धकाधक बनने लगता है। सच में? रियली सर। चलिए, और आपने सोचा भी नहीं होगा कि सर मिल गए? नहीं सर, अचानक आज हम देखे तो हमको लगने लगा कि सर से मुलाकात हो गई, फिर बहुत मजा आया सर। चलिए, यहाँ थोड़ा ज़्यादा सुनाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि हम लोग के पास माइक है नहीं, ऐसे घूमते आ गए थे। तो और सारे स्टूडेंट मिलेंगे तो फिर मिलवाऊंगा सबसे। सर बहुत मजा आया सर, मैथ मस्ती में पढ़ के हमको बहुत मजा आता है, तो आपसे मिल के ये हमारा संजोग है सर, और हम बहुत खुश हैं। थैंक यू, थैंक यू। भी ले आते। तो ये देखिए, मैं मेला घूमने आया था और भी हमारे छात्र लोग मिल गए हैं जो कि मुझे फॉलो करते हैं, और बहुत अच्छा लगा मुझे क्योंकि ये संजोग है हम लोग का मिलने का, और इस मेला के बहाने हम सभी लोग से मिल सके। और ये हमारे सारे भाई पटना से, कहीं अलग अलग से भी हैं, पटना से हैं, तैयारी कर रहे हैं आप लोग? इनसे तो थोड़ा देर पहले भी मैंने मिलवाया था, और ये सारे साथी हैं, सब मिलने आए हैं। चलिए, थैंक यू।
दराज के इलाकों में रहने वाले ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण वरदान साबित हो रही है, जिन्हें गरीबी या पारिवारिक वजहों से जब ये विशाल मानव वर्ग स्वस्थ होगा तभी तो न्यूट्रिशन मिशन के लिए राष्ट्रीय पोषण मिशन जिसका पुलिस बन सके automatically.